नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों से पाला बदलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन अभी मजबूत है। सचिन पायलट ने कहा कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने विश्वास जताया है कि उनके साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के दौरान आगे का कोई रास्ता निकलेगा। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा स्वयं को 370 और 400 सीट के पार दावा कर रही है, जो जमीनी स्तर पर केवल आकलन के बजाय दींग हांकने वाला बयान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रभारी महासचिव ने इन बातों को खारिज कर दिया है कि यात्रा पार्टी की चुनावी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, गठबंधन का पलड़ा भारी होगा। इस सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि यात्रा जारी है, अन्य चीजें AICC नेतृत्व और राज्य प्रभारी संभाल रहे हैं। इन सभी बैठकों और बातचीत पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नजर रख रहे हैं। इतना ही नहीं, सचिन पायलट ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और ममता बनर्जी इस गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं। सचिन पायलट नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है और जब वे चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें बिहार के लोगों को जवाब देना होगा कि पायलट ने दावा किया कि इंडिया और एनडीए के बीच आमने सामने के मुकाबले में विपक्षी गठबंधन का पलड़ा भारी होगा, भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और बहुत जल्द विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था की घोषणा की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। पायलट ने कहा कि अंक गणित गणना से पता चलेगा कि 2019 के चुनाव में इंडिया का मत प्रतिशत 60% से अधिक और एनडीए का लगभग 35% था, इसलिए सत्तारूढ़ दल केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके, दुष्प्रचार करके या दबाव बनाने जैसे अपनाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा का एनडीए गठबंधन और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है 370 और 400 सीटों से पार का दावा किया है, क्या ये वास्तविकता होगी या कड़ी चुनौती विपक्ष की ओर से इस बार जारी रहेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।